Okay, so today we will study basics of accounting, right? And before going into basics of accounting, accounting, what is accounting? What do you mean by accounting? Accounting kyun karte hain, kiske liye karte hain? Ye sab cheez jana bahut zaruri hai, right? So give the heading basics of accounting, right? Okay, now what is accounting? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिसाब रखना, राइट? बिजनेस हाउसेस, राइट? दोज हु डू बिजनेस. नाउ बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी को बिजनेस बोलते हैं. एक मंडी से खरीद के दूसरे मंडी में बेचना, आई मीन टू से वन मार्केट से बाई करके अनदर मार्केट में सेल करना. आप जिस मार्केट में बाई करते हैं उस मार्केट में आप नहीं बेच पाएंगे, राइट? सो यू बाई फ्रॉम वन मार्केट, sell in another market, or you buy at one commercial level, sell in another commercial level. I mean to say, जैसे मैं retailer हूँ तो मैं wholesaler से buy करूँगा, फिर मैं customer को बेचूँगा, right? और अगर मैं wholesaler हूँ तो मैं distributor से buy करूँगा और फिर उसको retailers को बेचूँगा, right? So basically, I am buying from one market, selling into another market. I am buying at one commercial level, selling in another commercial level. उसको business बोलते हैं. तो बीच में I keep something for myself, that is profit. तो इसी profit का हिसाब रखने को accounting बोलते हैं, right? So if someone asks you what is accounting, basically to find out the profit or loss of the business is known as accounting. अब ये accounting करते कैसे हैं? This is our second question. ठीक है? तो first of all, what is accounting? Sir, हिसाब रखना, प्रॉफिट निकालना, किसको कितना लेना है, किससे कितना देना है, इन सब चीज़ों का जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है. जैसे आप, अगर आपका बैंक अकाउंट है, राइट? तो बैंक अकाउंट, बैंकिंग कंपनीज, आपका HDFC में बैंक हो सकता है, ICICI, तो वो लोग आपको एक पासबुक दिया है, वो पासबुक की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आपने इतना जमा किया, इतना विड्रॉ किया, इतना किसी आपके कस्टमर ने जमा किया है, इतना आपको इंटरेस्ट मिला है, इतना बैंक चार्ज कटा है, तो एक अकाउंटिंग हो गया ना, वो हिसाब रख के बता दिया बैंक कि आपने मेरे पास इतना जमा किया था, इतना आपने निकाल लिया, आज के दिन में आपका इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, राइट? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. मार्क माय वर्ड्स, बिजनेस. बिजनेस मतलब बाइंग फ्रॉम वन मार्केट, सेलिंग इन अनदर मार्केट, बाइंग एट वन कमर्शियल लेवल, सेलिंग इन अनदर कमर्शियल लेवल, राइट? सो इफ समवन आस्क्स मी सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग, सो अकाउंटिंग is finding out the profit oblique loss of the business. इसको हम लोग accounting बोलते हैं. Accounting is finding the profit or loss of the business. Now, for whom we do accounting? किसके लिए करते हैं accounting हम लोग? ये मेरा another important question. तो accounting मतलब profit loss निकालना, हिसाब बताओ, right? जैसे मान लीजिए हर जगह आप लोग देखेंगे, आपने बैंक में पैसा रखा तो बैंक वाला आपको आपके पैसे का हिसाब देता है. आप कोई चीज़ का बिजनेस कर रहे तो उसका आपका प्रॉफिट लॉस, आपको नफ़ा नुकसान मालूम होना चाहिए. मान लीजिए अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं तो संस्था में लोग पैसा जमा करते हैं, फिर आप लोग कोई चैरिटेबल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जो मेंबर्स लोग होते हैं, लाखों मेंबर होते हैं, हज़ारों मेंबर होते हैं, बट उनको चलाने वाला कुछ लोग ही होता है, तो उनको बोला जाता है कि भैया हम लोगों ने आपको जो लाख लाख रुपया करके दिया था इस एक्टिविटी के लिए, आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया उसका हिसाब बताइए. बिल्डिंग अपार्टमेंट्स एसोसिएशंस वगैरह में एक एसोसिएशन का फंड होता है जहाँ पे मेंबर्स, जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं वो लोग हर महीना मेंटेनेंस जमा करते हैं, एंड उस मेंटेनेंस से सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी, लिफ्ट का मेंटेनेंस, क्लीनिंग एक्टिविटी, ये सब चीज़ किया जाता है, तो उसका भी एक हिसाब मांगा जाता है. तो अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग हर जगह है, राइट? इवन आपके पेरेंट्स आपसे हिसाब मांगते हैं, आपको जो पॉकेट मनी मिलता है उसको आप बस फेयर में खर्चा करते हैं, आप नाश्ता करते हैं, आप इधर उधर फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, तो कई बार आपका आउट ऑफ पॉकेट मनी हो जाते हैं आप, राइट?
तो इन दैट केस आप अपने पेरेंट्स से वापस मांगते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको पूछे आप ही तो दिया था 500 रुपये, क्या किया उसका? तो हिसाब हर जगह आप देखेंगे रहता है। हम लोग यहाँ पे जो हिसाब का बात करें, दैट इज प्योरली फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। नाउ ये किसके लिए किया जाता है? फॉर हुम वी डू अकाउंटिंग, राइट? आपसे हिसाब आपके पेरेंट्स मांगते हैं, राइट? वैसे ही बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का हिसाब कौन मांग रहा है, राइट? और क्यों मांग रहा है? फॉर हुम वी डू अकाउंटिंग एंड व्हाई दे नीड टू नो द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द बिजनेस। किसके लिए करना है और वो लोग को क्यों जानना है, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब अभी हम लोग देंगे, ठीक है? नाउ ये मान लीजिए मेरा बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट कौन किया? इन्वेस्टमेंट इसने किया है, इन लोगों ने किया है। कौन है ये लोग? दे आर द ओनर्स। इनको हम लोग शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, इनको लोग प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। तो इन्होंने इस बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, इनको इन बिजनेस से मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट्स, रिटर्न प्रॉफिट्स। तो इस बिजनेस का हम लोगों को प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, तभी ना जाके इनको इनका प्रॉफिट्स रिटर्न कर पाएंगे। सो इट इज फॉर द ओनर्स वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट, राइट? तो हमने यहां पे इन्वेस्ट किया, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स हमेशा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? अरे भैया, बच्चा को पढ़ा दिया, फीस दे दिया, वहीं पे खत्म नहीं हो जाता है बात। प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। वैसे ही बिजनेस में पैसा लगा दिया, माल खरीद लिया बेच दिया, माल खरीद लिया बेच दिया, माल खरीद लिया बेच दिया, पर्पस सर्व नहीं होगा। पर्पस सर्व कब होगा? वो बिजनेस मेरा प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके लिए हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है। अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट ओनर लोग अपने घर लेके जाएगा, अपना घर खर्चा के लिए, राइट? तो हमने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, हमको बदले में प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट चाहिए तो ठीक है, तो पहले निकालना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट हुआ कितना है। तो व्हाई वी डू अकाउंटिंग? वी डू अकाउंटिंग फॉर ओनर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, इस प्रॉफिट पे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे इनकम टैक्स लेगी। समझ में आ रहा है? तो व्हाई वी डू अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट पर्पस, इनकम टैक्स कलेक्शन पर्पस। क्योंकि जितना आपका प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट उस हिसाब से, जैसे मान लो 30% अगर टैक्स रेट है, आपने 2 लाख कमाया है, तो आपसे गवर्नमेंट 60,000 रुपया का इनकम टैक्स लेगी। अगर आपने 5 लाख कमाया था, गवर्नमेंट आपसे 1.5 लाख रुपये का इनकम टैक्स लेगी, राइट? सो इट इज फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो वी डू अकाउंटिंग। एंड वाई गवर्नमेंट नीड दिस प्रॉफिट फिगर? टू इम्पोज इनकम टैक्स। तो हर इंसान का अपना अपना कोई ना कोई मकसद है। शेयर होल्डर को प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्योंकि उसको ये जानना है कि उसको कितना मुनाफा वापस मिला, राइट? मान लीजिए हमने 1 लाख रुपये लगाया था और प्रॉफिट 20,000 आया है, तो रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया? रिटर्न परसेंटेज हो गया 20,000 और आपने 1 लाख लगाया था, तो मैं आपको 20% का मुनाफा दे रहा हूँ। तो ये ओनर बोलेगा नहीं, हमको तो 25% का मुनाफा चाहिए। तो अब ये क्या करेगा? इस बिजनेस से पैसा निकाल कर कहीं और लगाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ओनर को प्रॉफिटेबिलिटी जानना है, अकॉर्डिंगली ओनर डिसाइड करेगा कि वेदर ही शुड कंटिन्यू विद दिस बिजनेस और ही शुड चेंज इनटू अनदर बिजनेस, ठीक है? तो हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? अकाउंटिंग का मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना। किसका? बिजनेस का। किसके लिए करते हैं? ओनर के लिए करते हैं, क्योंकि ओनर इज द मेजर इन्वेस्टर, उसने मेन पैसा लगाया है, उसको जानना है कितना प्रॉफिट हुआ है। गवर्नमेंट को भी जानना है कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन उतना ज़्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे बच्चों को मुफ्त में एडुकेशन मिलेगा, हमारे बच्चों को हमारे फैमिली मेम्बर्स का मुफ्त में इलाज होगा, अच्छे सड़कें बनेंगी, रोड्स बनेंगे, बिजली फ्री होगा, वाटर सप्लाई फ्री होगा, काफ़ी सारा सर्विसेज गवर्नमेंट हमको फ्री में देगी। हम इस मुद्दे में नहीं जाना चाहते कि हाला में हम लोग को एक्चुअल में क्या मिलता है,
वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करती है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, बट एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का इनकम टैक्स लेने का मकसद ही यही है कि आपके प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज हर नागरिक से लिया जाता है, देश के हर नागरिक से इनकम टैक्स लिया जाता है और उसको सभी के लिए खर्चा किया जाता है। आज अक्षय कुमार 400 करोड़ रुपया कमाता है तो अक्षय कुमार इज़ द हाईएस्ट टैक्स पेयर, वो 120 करोड़ रुपया का टैक्स देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षय कुमार का घर गवर्नमेंट बना के देगी, नहीं, टैक्स किसी से कम किसी से ज़्यादा लिया जाता है बट अल्टीमेटली वो पूरा डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए खर्चा किया जाता है, राइट। तो इट इज़ फॉर द ओनर्स, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयज। आज इस बिजनेस के काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स होंगे, अगर ये बिजनेस लॉस में है तो इसका मतलब एम्प्लॉय का जॉब भी खतरे में है, राइट। तो हर इंसान चाहेगा कि वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ रहे जिससे कि उसको अच्छा प्रमोशन मिले, उसका सैलरी में अच्छा ग्रोथ हो, राइट। तो इट इज एम्प्लॉयज ऑल्सो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट जितना अच्छा होगा उनका सैलरी में इंक्रीमेंट उतना अच्छा होगा, उनको प्रमोशन उतना अच्छा मिलेगा, कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा होगा, राइट। हम लोग क्यों बोलते हैं इस कंपनी में काम करो, क्योंकि उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे सेफ फील करते हैं। तो कौन कौन इंटरेस्टेड हो गया मेरे, हु किसके किसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए, राइट। जैसे कि ओनर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स। नाउ ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आज मैंने पैसा लगा दिया 1,00,000 रुपया, इससे मैंने एक प्लांट खरीद लिया, प्लांट परचेज्ड 1,00,000 का, ठीक है। तो ओनर ने पैसा दिया, उस पैसे से बिजनेस ने प्लांट खरीद लिया, अभी मैं प्रोडक्शन करूंगा तो प्रोडक्शन के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मेरे को और पैसा चाहिए। तो बाजार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको मैं सप्लायर के नाम से बुलाता हूँ, क्रेडिटर के नाम से बुलाता हूँ, जो लोग हमको उधार में गुड्स देने के लिए तैयार हैं। बोला कि आप 30 दिन का उधारी लीजिए, आप माल अपने पास आज ले लीजिए, पैसा 30 दिन 40 दिन बाद दीजिएगा, आप प्रोडक्शन करके बेचिए, पैसा आ जाए तो हमको दे दीजिएगा। तो जो बंदा मेरे को गुड्स उधार में सप्लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको उसने जो गुड्स दिया था उस गुड्स का आपने क्या किया। तो उसके लिए अपने प्रॉफिट्स के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, क्योंकि इस बैलेंस शीट में ये मालूम पड़ जाएगा कि क्रेडिटर ने जो उधार दिया था वो उसके पास में एज ए एसेट पड़ा हुआ है कि नहीं, एज ए स्टॉक पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर माल बिक गया है तो वो एज ए डेटर पड़ा हुआ होगा कि हमने उधार में इस आदमी को बेचा, इससे हमको ये पैसा मिलना है। अगर वो आदमी पैसा दे दिया होगा तो वो एज अ कैश पड़ा होगा। कोई ना कोई, आज मैंने तुमको जो पैसे दिए उधार में, जो गुड्स दिया, उसका तुम कुछ तो किया होगा, हमने प्रोडक्शन करके रख लिया है उसको, तो वो हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, बिकेगा तो दे देंगे पैसा तुमको, हमने बेच दिया है तो हमारे बुक्स में एज अ डेटर पड़ा होगा। जैसे आप उधार में किसी से खरीदते हैं, उधार में आप बेचते जिसको है उसको आप डेटर बोलते हैं, राइट। अगर वो डेटर पैसा दे दिया होगा तो वो एज अ कैश पड़ा हुआ होगा। तो क्रेडिटर हमेशा आपका बैलेंस शीट से ये चीज दर्शाया जाता है कि आपका जो उधारी है वो आपके पास में पड़ा हुआ है कि नहीं। आज मैंने आपसे 1,00,000 रुपया लिया है, ठीक है, मैंने आपसे बोरो किया है, तो वो मेरे पास कैश में होगा 1,00,000 रुपया, तो आप हमेशा मेरा ये पोजीशन देखना चाहेंगे। इसी पोजीशन को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और इसी को हम लोग अच्छा नाम से बुलाते हैं बैलेंस शीट। मैंने आपसे जो बोरो किया वो मेरे पास एज अ कैश पड़ा हुआ है, फिर इस कैश से मैंने स्टॉक खरीद लिया 1,00,000 का, फिर इस स्टॉक्स को मैंने बेच दिया 1,50,000 में, तो हमारे बुक्स में यहाँ डेटर आ जाएगा 1,00,000 रुपए, मानते 1,00,000 में बेच दिया, फिर वापस से डेटर्स हमें पैसा दे देगा, तो वापस से कैश आ गया और इस कैश से हम आपको चुका देंगे, फिर वापस से हम आपसे उधार में खरीद लेंगे। तो एक साइकिल में बिजनेस होता है, बिजनेस कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं, इट्स अ रेकरिंग एक्टिविटी। तो वैसे ही क्रेडिटर्स हर बार हमें उधार में माल देगा, उस माल को हम प्रोड्यूस करेंगे, उसको बेचेंगे, पैसा आएगा, उसको चुकाएंगे, वापस से वो हमको माल उधार में देगा, फिर से बनाएंगे, फिर से बेचेंगे, फिर से पैसा आएगा, फिर चुकाएंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बेचेंगे,
इस तरीके से चलता ही रहेगा। अभी तो मैंने लाख 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 में काम किया है, एक्चुअल में जब आप यहाँ बेचते हैं ये वाला चीज आपका 1.5 लाख में होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1.5 लाख आएगा। आप चुकाएंगे 1 लाख तो आपके पास 50,000 रुपया बच जाएगा, यही आपका प्रॉफिट है। फिर वापस से आप उससे माल लेंगे, ऐसे करके हर साइकिल के बाद में जैसे जैसे ये साइकिल कंप्लीट होता जाएगा आपका पोजीशन बढ़ता जाएगा, कैश 50,000, फिर अगला साइकिल में 1 लाख, फिर उसके अगले साइकिल में 1.5 लाख, उसके अगले साइकिल में 2 लाख, इस तरीके से आपका व्यापार बढ़ता ही जाएगा और आप तरक्की करते ही जाएंगे, राइट? अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि लेंडर्स। ये है जो हमको उधार में गुड्स देता है, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। वैसे ही होता है लेंडर्स, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर ऑफ मनी, राइट? अच्छा, अब मान लीजिए हमको 2 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपया ही है मेरा अपना, तो हम बैंक से लोन ले लेते, तो बैंक हमारा लेंडर हो गया, राइट? तो हमने बैंक को प्रॉमिस किया है कि आपने आप मेरे को जितना रुपया देंगे उस पर मैं आपको सालाना ब्याज दूंगा। तो ये लेंडर्स देखना चाहेगा ना कि कंपनी ने, बिजनेस ने सफिशियंट प्रॉफिट कमाया है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट चुकाने के लिए, तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, अकाउंटिंग मतलब प्रॉफिट निकालना है, बैलेंस शीट बनाना है, किसके लिए करते हैं अकाउंटिंग और क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया। ओनर के लिए करते क्योंकि ओनर को प्रॉफिट जानना है, अगर प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्री है तो वो कंटिन्यू करेगा, प्रॉफिट अगर डिससेटिस्फैक्ट्री तो यहाँ से पैसा निकाल कर कहीं और डालेगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रॉफिट पे इनकम टैक्स चाहिए इसलिए गवर्नमेंट को इंटरेस्टेड है। एम्प्लॉय, वो अपना जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी देखना चाहता है। क्रेडिटर, उसने जो आपको जो माल उधार में दिया था वो माल को आप खा के हजम तो नहीं कर गए कहीं, तो वो आपके फाइनेंशियल पोजिशन में कहीं ना कहीं होना चाहिए, या तो माल के फॉर्म में होगा, या डेटर के फॉर्म में होगा, या कैश के फॉर्म में होगा। लेंडर्स, जिन्होंने आपको माल दिया है, गुड सप्लाई किया है, सॉरी कैश, कैश सप्लायर ऑफ मनी, इनको आपने वादा किया था कि हम आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये जानना चाहता है कि आपने क्या सफिशियंट प्रॉफिट कमाया है, राइट? यस, आपने कमाया है तो आप उससे उसको इंटरेस्ट दे पाएंगे। ऐसे ही अदर भी, अदर अदर यूजर्स होते हैं, अदर यूजर्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, अदर यूजर्स, और भी कई लोग हमारे बैलेंस शीट में, पीएल में इंटरेस्टेड होते हैं, अदर यूजर्स बोल के मैं उनको संबोधित करूंगा। इनफैक्ट कस्टमर्स भी हमारे यूजर्स में आता है। आज हमेशा हम लोग देखते हैं कि हम लोग ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहते हैं, राइट? वी ऑलवेज वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद अ ब्रांड, तो क्योंकि उसका कस्टमर सर्विस अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया है, तो जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ऑटोमेटिकली उसका कस्टमर रिलेशनशिप उतना अच्छा होता है। तो और भी कई तरह के यूजर्स हैं, वो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो सर हमको समझ में आ गया, अकाउंटिंग मतलब हिसाब रखना, प्रॉफिट निकालना, बैलेंस शीट बनाना, किसके लिए अकाउंटिंग करते हैं, ओनर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लेंडर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, उनको अपना अकॉर्डिंगली हम उनको प्रॉफिट पोजीशन बताएंगे, बैलेंस शीट पोजीशन बताएंगे, अकॉर्डिंगली वो लोग डिसाइड करेंगे कि उनके साथ हमारा जो रिश्ता है, बिजनेस रिलेशनशिप है, वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, कि वो लोग डिससेटिस्फाइड हैं, कि वो लोग डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, राइट? अगर क्रेडिटर को ये मालूम पड़ेगा कि उसने जो आपको गुड्स उधार में दिए थे वो गुड्स को आपने बेच कर वो पैसा को आप हजम कर गए हैं, तो अगली बार आप वापस जाएंगे तो आपको वो उधारी नहीं देगा, राइट? तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं। इन लोगों के लिए अकाउंटिंग किया जाता है बिकॉज समवेयर और द अदर दे आर इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस। ये लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस जानने में, accordingly they will decide, ठीक है? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, accounting क्या होता है, किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, सब समझ में आ गया। अब accounting का process समझना है, उसके लिए आपको पहले, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जब आप accounting करते हैं, accounting rules आपको समझने पड़ेंगे, accounting regulations आपको समझना पड़ेगा, accounting concepts आपको समझना होगा, अकाउंटिंग assumptions आपको समझना होगा,
मतलब काफी सारे रूल्स प्रिंसिपल्स हमको थोप दिए जाएंगे, उनके बेसिस पे मैं अकाउंटिंग करूंगा। तो प्रोसेस बाद में आएंगे, पहले इन अजम्पशंस रेगुलेशंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, राइट। तो अकाउंटिंग करते वक्त सबसे पहला जो रूल है, राइट, कहता है अकाउंटिंग प्रीएट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है एनुअल, मतलब 12 मंथ्स। आपको जो प्रॉफिट निकालना है, 12 12 महीना पे प्रॉफिट निकालेंगे। हर दिन नहीं निकालेंगे, हर हफ्ता नहीं निकालेंगे, हर महीना नहीं निकालेंगे, हर 3 3 महीना पे नहीं निकालेंगे, हर 6 6 महीना पे नहीं निकालेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड बोलता है परफॉर्मेंस इज टू बी कैलकुलेटेड एट इंटरवल ऑफ 12 मंथ्स। बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जिनका लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन है, उन लोगों को सरकार मैंडेटरी कर दी कि आपको हर 3 3 महीना में पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बट छोटी संस्था 12 महीना अकाउंटिंग पीरियड आपको याद रखना है। तो जो भी हम प्रॉफिट निकालेंगे इस 12 महीने का निकालेंगे। कहने का मतलब है, अगर जनवरी 2019 मेरा स्टार्ट है, तो दिसंबर 2019 यही हम इसी टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकालेंगे, ना आगे ना पीछे का। तो हमारा हो गया अकाउंटिंग पीरियड 2019। तो इस दौरान जो भी बाइंग एंड सेलिंग हुआ है उसी के आधार पे हमारा प्रॉफिट निकाला जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी बाइंग सेलिंग हम लोगों ने 2018 में किया है उसको यहाँ नहीं लेना है। कोई भी बाइंग सेलिंग अगर हम नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं 2020 में, उसको भी यहाँ पर नहीं लेना है। केवल और केवल वॉट एवर यू हैव बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, जो भी आपका इस साल हुआ है उसके आधार पे आपको अपना प्रॉफिट निकालना है। तो आपको हमेशा आपके एग्जाम में अकाउंटिंग पीरियड बोल देगा, या तो जनवरी टू दिसंबर फॉलो होता है या अप्रैल टू मार्च फॉलो होता है। अगर मान लो बोलता है अप्रैल 2019, तो यहाँ से 12 महीना आएगा मार्च 2020। तो इसको हम लोग लिखते हैं अकाउंटिंग पीरियड ऐसे, 2019-20। तो जब भी आप पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहला आपका टास्क होगा अकाउंटिंग पीरियड को चुन लें कि आप कौन से समय का अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसी समय का आपको सारा बाइंग सेलिंग के आधार पे आपको अपना प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया कि हमारा 12 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा, उसी टाइम फ्रेम का हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, ना आगे का ना पीछे का। जो समय हम लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा उसी समय में जो भी एक्टिविटी हमने की है, जितनी भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी की है, उसी के आधार पे हमारा प्रॉफिट निकाला जाएगा, राइट। तो अकाउंटिंग पीरियड या तो कैलेंडर ईयर होता है या अप्रैल टू मार्च फॉलो होता है। ये हमारा पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है ओनर्स एंड इट्स बिजनेस आर रिगार्डेड एज टू डिस्टिंक्ट
लीगल एंटिटीज। सर मेरा ही तो बिजनेस है, मैं ही पैसा लगा रहा हूँ, सारी एक्टिविटी भी मैं कर रहा हूँ, बाइंग भी मैं कर रहा हूँ, सेलिंग भी मैं कर रहा हूँ, खून पसीना सा इस बिजनेस को सींचा भी मैंने ही है, सबसे डीलिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, उधार में भी मैं ही खरीद के ला रहा हूँ, बेच भी मैं ही रहा हूँ, तगादा पे भी मैं ही जा रहा हूँ कलेक्शन करने, तो हम दोनों अलग अलग कैसे हुए? नहीं बेटा सुनो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप लोग अलग अलग हैं, आप ही का बिजनेस है, आप ही का है, आप ही इसके मालिक हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब प्रॉफिट निकालना है। तो अकाउंटिंग के लिए मैं तो आपको अकाउंटिंग रूल्स एजम्पशंस पढ़ा रहा हूं। तो अकाउंटिंग के लिए, ओनली फॉर अकाउंटिंग, रिमेंबर, ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस, केवल और केवल अकाउंटिंग पर्पस के लिए ओनर और उसके बिजनेस को अलग अलग माना जाएगा। इसका मतलब वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू विल बी बिजनेस। सोचने का नजरिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कहने का मतलब है बिजनेस एक्सपेंस इनकम इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल बी रिकॉर्डेड। जो चीज बिजनेस का है, बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का इनफ्लो, बिजनेस का आउटफ्लो विल बी रिकॉर्डेड। राइट सर, आपका इंडिकेशन किस तरफ है मेरे को समझ में आ रहा है? पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल इनकम ऑफ द ओनर विल not be recorded, rather considered. हमको खाली बिजनेस का प्रॉफिट से मतलब है, घर का राशन पानी, घर का बिजली बिल, घर का भाड़ा, राइट, बच्चे का स्कूल फीस, हम हमारी मम्मी को जो पिन मनी देते हैं घर खर्च के लिए, उन सब चीज़ों को बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग प्रॉफिट बिजनेस का निकाल रहे हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का इनफ्लो, बिजनेस का आउटफ्लो कंसिडर होगा। पर्सनल एक्सपेंस इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक दूसरा रूल है। ठीक है, बिजनेस और उसके ओनर अलग अलग माने जाएंगे प्रॉफिट निकालते वक्त। प्रॉफिट निकालते वक्त आपको खाली बिजनेस के नजरिए से सोचना है, राइट? तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मनी इन्वेस्टेड by owner
इनटू द बिजनेस, जो ओनर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस. हाँ सही बात है, ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए एक तरह का ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है लाइबिलिटी, कर्जा. आज मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए ये ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हम दोनों तो अलग अलग हैं. आज मैं आपको पैसा दे रहा हूं, राइट, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसको कर्जा समझना, तुमको चुकाना है ये, क्योंकि हम दोनों एक नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं. तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेपरेट एंटिटी. तो सेपरेट एंटिटी काफी सारा चीज क्लियर कर देता है. बिजनेस और ओनर अलग अलग है. अकाउंटिंग बिजनेस का हो रहा है, ओनर का नहीं हो रहा है. मानते हैं सारा एक्टिविटी ओनर करता है, बट अकाउंटिंग बिजनेस का हो रहा है. तो बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का इनकम, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या गया, उससे मतलब है. पर्सनल एक्सपेंस इनकम से कोई मतलब नहीं है. ओनर ने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन माना जाएगा. बिजनेस को ये पैसा चुकाना है ओनर को. और इसी ऑब्लिगेशन को एक सुंदर सा नाम दिया गया है, कैपिटल. और इसको हम लोग बोलते हैं, ऑब्लिगेशन को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में लाइबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, तो हमको जो ओनर पैसा दे रहा है, हम कौन है, बिजनेस है, बिजनेस को ओनर पैसा दे रहा है, तो बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन हो गया लाइबिलिटी. बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन हो गया लाइबिलिटी. ठीक है, आइए. तो अभी तक हम लोग दो ठो रूल समझा. तीसरा रूल, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का और खाली बिजनेस का एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये और बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रूल है. आज हमने क्या बोला, बिजनेस का बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी के आधार पे हम प्रॉफिट निकालेंगे. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. मतलब ऐसा कोई चीज जिसमें फाइनेंशियल तड़का हो. फाइनेंशियल तड़का मतलब जिसमें कैश हो. मनी मतलब कैश. मनी इज वर्थ होता है चेक, अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो, राइट. इन सब एक्टिविटीज को हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ट्रांजेक्शन्स. बिजनेस एक्टिविटी को ट्रांजेक्शन बोला जाता है. जैसे बाइंग एक्टिविटी, तो आपने एक ट्रांजेक्शन किया है. सेलिंग एक्टिविटी, आपने एक ट्रांजेक्शन किया है. बेसिकली ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स. जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ और एसेट, आपने कोई गाड़ी, फर्नीचर, ये सब चीज, राइट. एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एसेट. तो लेकिन वो पैसा या मनी इज वर्थ में तोला जा सके. तो आज हमने आपसे गुड्स खरीदा, बदले में आपको कैश दे दिया. ठीक है, तो ये वाला ट्रांजैक्शन आप कंसीडर करेंगे.
हमने आपसे गुड्स खरीदा, बदले में आपको चेक दे दिया, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम आपको पेमेंट करेंगे, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। हमने आपसे गुड्स खरीदा और आपको बोला ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, मतलब हम मान रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन थोड़े दिन बाद देंगे, कब देंगे ये नहीं, बट हफ्ता दो हफ्ता के बाद। जैसे मैंने आपको बताया ना 15 दिन 30 दिन 45 दिन 60 दिन का उधारी रहता है, तो ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। उसके अलावा प्रॉमिसरी नोट, हमने आपसे गुड्स खरीदा, अब आपको मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो मैंने आपको लिखित दे दिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, दैट आई विल पे यू 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, या बार्टर स्कीम जो पहले चलता था, चावल तुमसे खरीद लिया तुमको गेहूं बेच दिया। तो वही बिजनेस एक्टिविटी को कंसीडर करना है जो पैसे में तोला जा सके, मनीटरी टर्म्स हो। जैसे मान लो हमको किसी ने ऑर्डर दिया है कि वो हमसे 500 किलो चावल खरीदेगा, तो आपको तो खाली ऑर्डर मिला है, अभी क्या कोई एक्सचेंज हुआ, क्या कोई लेन देन हुआ, नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन उसी को बोला जाएगा, उसी एक्सचेंज को बोला जाएगा जिसमें या तो पैसा से उसको सेटल किया जाए, या बैंकिंग सिस्टम से सेटल किया जाए, या वादा दे के सेटल किया जाए, या लिखित वादा दे के सेटल किया जाए, या और कुछ दे के सेटल किया जाए। सेटलमेंट वाला चीज होना चाहिए तभी वो ट्रांजैक्शन माना जाएगा, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। उधार में खरीदे हैं तो एक टाइप का ओरल प्रॉमिस दे के आए हैं ना, भगवान का कसम ओरल प्रॉमिस, ये चलता है। ये हो गया रिटन प्रॉमिस, बिजनेस में जवान का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। राइट तो सारा एक्टिविटी, अगर आपको ऑर्डर मिला है वो ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब सेटलमेंट हुआ हो मनी में या मनी इज वर्थ में। हमने आपसे गुड्स खरीदा आपको कैश दे दिया, सेटलमेंट हो गया ना। हमने आपसे गुड्स खरीदा आपको चेक इशू कर दिया, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, सेटलमेंट हो गया। हमने आपसे गुड्स खरीदा आपको बोला दो हफ्ते बाद आइए, ओरल प्रॉमिस, इसका वैल्यू है बिजनेस में, ओरल प्रॉमिस का वैल्यू होता है। अगर आप मेरे बातों का मान नहीं रखेंगे तो अगली बार हम आपको माल उधार में नहीं देंगे। इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, क्या बोला जाता है इसको, ओरल प्रॉमिस को एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। प्रॉमिसरी नोट होता है रिटर्न प्रॉमिस, और बाटा स्कीम मतलब हमने आपसे कुछ खरीद के आपको कुछ बेच दिया, ठीक है सर। हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया। 12 महीने का जो टाइम फ्रेम है वही, उस 12 महीने में जो जो ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन का मतलब भी समझ में आ गया ना, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस एक्टिविटी जिसको हम पैसा में या मनीज वर्थ में सेटलमेंट हुआ है, जिसको हम पैसा में या मनीज वर्थ में तोल सकें। तो 12 महीना में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो उस 12 महीने का है। ठीक है, और वो भी बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। तो अब मैं अगर बात करूं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कौन सा वाला ट्रांजैक्शन, बिजनेस वाला, याद है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस,
which are completed in an accounting period. समझ में आ गया मेरा बात? कौन सा ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रहा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन एन अकाउंटिंग पीरियड. पर्सनल वाला नहीं, बिजनेस वाला, वही जो पैसे में तोला जा सके, जिसका सेटलमेंट मनी में या मनीज वर्थ में हुआ हो, और जो इस अकाउंटिंग पीरियड का है. ठीक है, एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेस किया है 50,000 का, पेड इन कैश, तो ये ट्रांजैक्शन है, हाँ या ना? यस, टी लिख दो. गुड्स खरीदा, बदले में कैश दे दिया, सेटलमेंट कैश में कर दिया. गुड्स सोल्ड फॉर ₹75,000 ऑन क्रेडिट, ये भी ट्रांजैक्शन है. क्यों? क्योंकि पैसा सामने वाला बोला बाद में देगा, ओरल प्रॉमिस, मनी इज वर्थ. रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स ₹20,000, नॉट अ ट्रांजैक्शन. खाली ऑर्डर मिला है, अभी एक्सचेंज थोड़ी हुआ है. ठीक है, पेड कमीशन ₹2,000 इन कैश. अभी क्या है ना, हमको दलालों को अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि हम बायर को डायरेक्टली नहीं जानते, तो बीच में एजेंट लोग होता है, जो लोग मेरा मदद करता है बिजनेस एक्टिविटी करने में, तो उन लोग को बदले में हम लोग को कमीशन देना पड़ता है. तो अब मेरे को आप बताइए प्रॉफिट कितना? सर 75,000 में आपने बेचा है, 50,000 का माल आपने खरीदा है, तो जो बेचा वो आपका इनकम हो गया, जो खरीदा वो आपका खर्चा हो गया, और 2,000 जो कमीशन दी वो आपका खर्चा हो गया, हो गया 23,000 हमारा प्रॉफिट है. एकदम सिंपल हो गया. तो सर आप तो इतना जनरल लेजर. अब सुनो, ये तीन है, अगर ये 3,000 ट्रांजैक्शन होता तो एक परचेस है, 500 परचेस होता तो अलग अलग आदमी से होता तो एक हिसाब रखना पड़ता है. इसीलिए हम लोग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना जरूरी है. अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ये तो बहुत सिंपल हो गया, डायरेक्टली प्रॉफिट आ गया हमारा. ये तो सिंपल हो गया, गुड्स खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खत्म हो गया. अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होते, दिन के हजारों ट्रांजैक्शन होंगे, तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस. खाली ट्रांजैक्शन को खोजो, फिर उसको करेंगे रिकॉर्ड इन जर्नल, फिर बनाएंगे लेजर, फिर बनेगा हमारा ट्रायल बैलेंस, सबका मतलब बताएंगे, और फिर बनेगा हमारा मेन चीज प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट. फॉर ये कर दिया जाएगा
communicate to users, क्योंकि जिनके लिए बनाए थे उनको बता दो कि भैया क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या पोजीशन है, अपने लिए थोड़ी किए थे आप। तो पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या क्या है उसको देखो, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड करो, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, और बनाने के बाद जिसके लिए ये सब कर रहे थे उसको इत्तला कर दो, कम्युनिकेट। फिर अकॉर्डिंगली वो लोग अपना क्या ले लेगा, डिसीजन। राइट, तो आज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर अकाउंटिंग मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना, एकदम सिंपल है। किसके लिए निकालते हैं? ओनर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लेंडर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए, क्रेडिटर के लिए। ठीक है, सब अपना अपना मकसद होता है सबका। हर इंसान कैसे ना कैसे हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उनको बताना आवश्यक है। अकाउंटिंग करते वक्त काफ़ी सारा रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस, आइडियाज़, थॉट्स हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जिस टाइम फ्रेम का प्रॉफिट निकालना है वो 12 महीने का होता है, हर 12-12 महीने पे प्रॉफिट निकाला जाता है। तो अगर मेरा 2019 मेरा अकाउंटिंग टाइम फ्रेम है, तो 19 का बाइंग सेलिंग एक्टिविटी, 19 के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे 19 का प्रॉफिट आएगा, 18 का नहीं लेंगे, 2020 का भी नहीं लेंगे। सेपरेट एंटिटी बोलता है खाली बिजनेस का ट्रांजैक्शन, पर्सनल वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मालिक जब बिजनेस को पैसा देता है तो वो बिजनेस के लिए एक अलग से ऑब्लिगेशन माना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लाइबिलिटी। बाइंग सेलिंग एक्टिविटी मतलब जिसको आप पैसा में सेटल किए हैं या मनी इज वर्थ में आप सेटल किए हैं, उसी को हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इन्हीं बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के आधार पर आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है, या कई बार होता है हम एसेट्स खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, कार खरीदेंगे फॉर यूजिंग इन बिजनेस, बट ऑब्वियस राइट। तो अकाउंटिंग का मतलब हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बिजनेस का बाइंग सेलिंग एक्टिविटी जिसका सेटलमेंट कैश में या मनीज वर्थ में हो चुका है और जो इस साल का है। चार्ट ट्रांजैक्शन में ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि इसका मनी या मनीज वर्थ से कोई लेन दूर दूर तक नाता नहीं है। खाली फिगर होना मतलब मनी नहीं हुआ, सेटलमेंट कैश में होना चाहिए या मनी इज वर्थ में होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट आया 23,000। तो सर यहाँ तो 3 ट्रांजैक्शन थे तो प्रॉफिट निकालना आसान था, इनकम माइनस एक्सपेंस। लेकिन अगर मान लो हमारे हजारों ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारे लोगों से हम डीलिंग करते हैं, तब हमको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। पहले सारा ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, उसको फिर जर्नल में रिकॉर्ड करो, फिर लेजर में रिकॉर्ड करो, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट लॉस, और जो बनाया है फिर उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। राइट, सो आई गेस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट?